जय हिंद भाइयों, मैं गंगा सोला श्रीवास्तव संजू, फिल्म स्टूडियो सेटिंग लाइट मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी मजदूर भाइयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी मजदूर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप सभी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। और आपको बताना चाहता हूं कि जिन भी मेंबर भाई को तिरंगे झंडे की जरूरत हो, वह कृपया करके अपने यूनियन ऑफिस से मुफ्त में तिरंगा लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आजकल हमें पता है कि आजकल कुछ प्रोडक्शन हाउस, आर्ट डायरेक्टर, इक्विपमेंट मालिक और सेट इंचार्ज कुछ भ्रष्ट लोगों के साथ मिल करके हमारी यूनियन को तोड़ना चाहते हैं, हमें कमजोर करना चाहते हैं और हमारे मेंबरों का काफी शोषण कर रहे हैं और समय पर ना तो पेमेंट दे रहे हैं ना तो जो हमारा रेट फिक्स है उतना पेमेंट दे रहे हैं। तो मैं यूनियन लीडर होने के नाते उन भ्रष्ट लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मजदूरों का पेमेंट पूरा दे और समय पे दे, अन्यथा हमें उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज जो आज बड़े बने हुए हैं उन्हीं मजदूरों की मेहनत के बलबूते बने हुए हैं। जो मजदूरों ने आपको बड़ा किया उन्हीं की शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं लेकिन कुछ लोग आज भी हमारे कुछ मजदूरों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कुछ तो हमारे मेंबरों को डरा धमका कर उनसे काम करवा रहे और पूरा मेहनताना भी नहीं दे रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन संविधान और यूनियन के रहते हुए आपकी यह मंशा कभी भी पूरा नहीं होगी। हमारे मजदूरों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपको एक होना पड़ेगा और आपको खुद आवाज उठाना पड़ेगा। ऐसे समय पर आपकी यूनियन, आपके लीडर आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग को अपनी यूनियन को भी मजबूत बनाए रखना है। कुछ बाहरी लोग जो आपकी यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी यह मंशा कभी पूरा नहीं होने देना है। यह तब संभव है जब हम सब एक रहेंगे। अगर आपकी यूनियन टूट गई तो हमारा सही मेहनताना और रेट जो मिल रहा है वह कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपकी यूनियन का नाम लेकर जो कुछ बाहरी लोग लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान ना दें और उन्हें नजरअंदाज करें और हो सके तो उनको अपने तरीके से उन्हें जवाब दें और यूनियन को एकता बनाए रखें। और जितने भी विरोधी हैं या हमारे मेंबरों का शोषण कर रहे हैं उन्हें मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर मजदूरों को उनका मेहनताना समय पर और तय किए गए रेट से नहीं मिल दिया गया तो हो सकता है भविष्य में सीट पर काम करने के लिए आपको मजदूर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। आप सभी एक मजदूर लीडर का इशारा अच्छी तरह समझ लीजिए। जब मजदूर एक होकर के अपनी आवाज उठाने लगेंगे तो आपको काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी कविता अपने मजदूर भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम सब मजदूर हैं, मजबूर नहीं, ये कहने में मुझे शर्म नहीं। हम किसी के आगे झुक जाए या हमारा कर्म नहीं, आप हमारे ऊपर जितना भी जुर्म करोगे हम सब उतनी मजबूती से आपके सामने खड़े होंगे और अपना हक लेंगे। एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं अपने सभी मजदूर भाइयों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, जय भारत।